वाली पूछिए, पहले कम से कम वोट पर पूछ। खास करके ये जो हमारे लोकसभा के चुनाव हैं, इसमें आपको पता है कि केंद्र में जो सरकार होती है, वर्तमान सरकार, उनके जो कार्यकाल का जो लेखा जो लोग लेकर हम पब्लिक में जाते हैं लोकसभा चुनाव में, और प्रदेश सरकार का भी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले 5 साल में रही है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो उसके बारे में प्रदेश में जनता के बीच में अब जब आए हम लोग जाएंगे तो उन विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से केंद्र सरकार के जितने भी कार्यक्रम योजनाएं हैं, जो भी 9.25 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा, उनके नेतृत्व में सरकार ने जो कार्य किए, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के हर वासी, हर नागरिक को इन योजनाओं का किसी न किसी रूप में लाभ मिला है, और उसी उन्हीं चीज़ों को लेकर हम उन योजनाओं कार्यक्रमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। 9 साल के कार्यक्रम में देश से लेकर विदेशों में किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्य का, अपने जो नेतृत्व का झंडा बुलंद किया, उसको लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम लोग चारों के चारों पार्लियामेंट में अपनी भारतीय जनता पार्टी जो है जीत हासिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि मोदी जी की गारंटी वाली यात्रा, पूरे भारत में ये यात्रा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस जो होता है उसमें रांची से शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी, और 25 जनवरी तक ये यात्रा पूरे देश के लगभग हर पंचायत में जाने वाली थी। आज यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत इस पंचायत में आए पहुँची थी, उसी उद्देश्य से इस यात्रा में शामिल होने के लिए मैं यहाँ कठेड़ा पंचायत में आज। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर कांगड़ा से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।